आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेप्टिक टैंक के ऊपर टॉयलेट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, सही है या गलत है, क्योंकि आप लोग इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। टाइम ना गवाते हुए हम सीधा अपने टॉपिक पर चलेंगे। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बात करेंगे हम सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक आप जब भी बनाते हैं तब घर में आप उत्तर और पश्चिम के बीच में बनाते हैं। उत्तर और पश्चिम के बीच में आप टैंक बनाते हैं, यहां पर आपके हो सकता है बेडरूम आए, बेडरूम के साथ साथ आप यहां पर टॉयलेट भी ले लेते हैं। तब हमें एक कंफ्यूजन होता है कि क्या हम यहां पर जो हमारा सेप्टिक टैंक का गड्ढा है यहां पर हम इसके ऊपर टॉयलेट बना सकते हैं। तो देखिए, टॉयलेट के ऊपर हम बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं कि किस तरह से आप टैंक बनाएंगे, आप RCC का बनाएंगे, ब्रिक का बनाएंगे, जो भी आप बनाते हैं उसमें एक चीज ध्यान रखना है, अगर आपका साइज जो है वो इस तरह लिए हैं आपने जिसमें आपका टॉयलेट भी फिक्स आ जाए तो फिर ये तरीका गलत है। यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, अगर आपका जो टैंक है वो घर से कुछ ऐसी जगह है जहां पर, जैसे कि मान लीजिए आप 1.5 से 2 फीट साइड में छोड़ देते हैं, इस कंडीशन में अगर आपका जो मेन होल है जहां से आपका जो सॉलिड वेस्ट रहेगा वो आप सॉलिड वेस्ट चैम्बर से बाहर निकाल सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम आने की कंडीशन में आप टैंक की सफाई करवा सकते हैं। इसके कारण एक मेन होल दिया जाता है जिसे आप एक मेन होल कहते हैं, और मेन होल में हम क्या करते हैं कि यहां से जो भी आपके नगर पालिका नगर निगम की सक्शन मशीन होती है इससे पाइप डालकर और जो भी सॉलिड वेस्ट होता है निकाल लेते हैं। इस कंडीशन में कभी भी आप, अगर मान लीजिए आपने घर में जगह कुछ भी नहीं छोड़े हैं दोनों तरफ और लास्ट पोजीशन में आप रखना चाहते हैं, तो बिल्कुल ऐसा ना करें, क्योंकि आपके घर से पूरे पाइप लेकर जाएंगे या फिर कभी प्रॉब्लम आती है पाइप्स वगैरह की जो सैनिटरी है उसमें यूज किए हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो प्लानिंग में आप एक चीज हमेशा ध्यान रखें, जो टैंक है आपका वो आप ऐसी जगह दे जहां से अगर किन्हीं भी तकलीफ में हम रहते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती है इन फ्यूचर, तो उसे खाली कराना आसान हो। और यहां पर ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूं उसका भी एक कारण है, आप टैंक के ऊपर टॉयलेट बनाए या ना बनाए लेकिन ये चीजों की जानकारी और समझदारी रखना ज्यादा जरूरी है। बात करेंगे टॉयलेट के ऊपर या फिर टॉयलेट के नीचे आपका सेप्टिक टैंक आप बना सकते हैं, इसमें ऐसा कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि इसका जो मेन होल है वो आप छोड़ दीजिए। जैसे कि आपने एक तरफ प्लानिंग में लगभग 2 फीट की जगह छोड़े हुए हैं तो आपका जो टैंक है, क्योंकि वो जमीन में रहेगा, तो आप टैंक का हिस्सा 2 फीट का बाहर निकाल दें और बाकी के एरिया में या फिर बाकी के स्पेस में आप अपना टॉयलेट बना लें जो घर के अंदर कनेक्ट हो, तो बाउंड्री का जो हिस्सा होगा वहां पर आपको एक मेन होल मिल जाएगा जिससे आप पाइप्स वगैरह से इन फ्यूचर साफ कर सकते हैं, आपके सब आउटलेट्स निकल जाएंगे साइड की वॉल से, तो ये जो है आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। तो सिंपल सा लास्ट में आपको कंक्लूजन देता हूं कि आप जब भी बना रहे हैं तब आप वहां पर सेप्टिक टैंक के ऊपर टॉयलेट बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहां पर ध्यान रखें कि उसमें चैम्बर जो आप बनाएंगे, जो उसका मेन होल रहेगा जिससे आप सॉलिड वेस्ट अगर मान लीजिए खाली करने की स्थिति बनती 5, 10, 50 साल बाद, यूजेस के ऊपर डिपेंड करता है, तब आप आसानी से निकाल सके। आई होप मेरी ये सिंपल सी बात आपको समझ में आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।